हेलो मिर्जापुर, दिस इज दीक्षा एंड आई एम एन एंकर एंड मॉडल। मैं आ रही हूँ आपके शहर यानी मिर्जापुर द कोनार्क ग्रैंड होटल में 12 अक्टूबर को डांडिया महोत्सव के लिए। सब तैयार हो जाइए डांडिया के लिए और खूब सारी मस्ती, खूब सारे धमाल के लिए, क्योंकि मैं आ रही हूँ इस खास दिन को और भी खास बनाने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच द कोनार्क ग्रैंड होटल। थैंक यू, बाय बाय। दरअसल मिर्जापुर अपने आप में अध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और ऐसे में जब गरबा और दांडिया का बात होता है तो कोनार्क ग्रैंड होटल को लोग जो है हाथों हाथ क्यों लेना चाहते हैं। सर बताएं, क्या कोई विशेष महत्व है? मिर्जापुर स्थित कोनार्क ग्रैंड होटल बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग हर एक इवेंट्स को प्लान किए हैं, हर एक गेस्ट का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो उसी तौर पे हम लोग भी एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है और हर एक चीज़ को हम लोग, हर एक पहलू को हम लोग ये करते हैं। और जबकि रात्र में गरबा और डांडिया का बहुत काफ़ी विशेष महत्व है, इसलिए और ये इवेंट खासकर हम लोग एक नवरात्र के टाइम में हम लोग प्लान करते हैं। और चूँकि एक साल तक लोगों का वेट होता है कि कब गरबा हो, और गुजरात और राजस्थान में ऑलरेडी गरबा और डांडिया प्रचलित है, इसलिए हम चाह रहे हैं इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए दिनों दिन हर एक स्टेट में ये लोकप्रिय होते जा रहा, सो इसी क्रम में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आपके यहाँ प्रतिभागी होंगे उनके लिए क्या विशेष परिधान की भी कोई व्यवस्था है या आपकी तरफ से क्या मुहैया कराया जा रहा है? बेसिकली डांडिया में डांडिया स्टिक बहुत काफ़ी मायने रखता है, और उसके साथ ही उसका पहनावा, ड्रेसिंग, ड्रेस कोड भी बहुत मायने रखता है। लेकिन इस बार हम लोग परिधान, चूँकि गेस्ट खुद लेके आएंगे और स्टिक हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और पूरे इवेंट को हम लोगों ने एक सिलसिले क्रम में जोड़ा हुआ है, तो इसका बहुत काफ़ी इंटरटेन होने जा रहा है और बहुत काफ़ी धूम मचने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरी तैयारी बिल्कुल जोश खरोश और उत्साह के साथ मिर्जापुर स्थित कोनार्क ग्रैंड होटल का स्टाफ और उसके समूचा प्रशासन पूरी तरीके से ये सजग है कि मिर्जापुर का ये वास्तव में ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित हो और यहाँ का गरबा और दांडिया सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अपना एक स्थान बना सके। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, TV24 के लिए।